कि मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम आईसी को कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोलिथिक आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस सीक्वेंस। ठीक है, अब आप थोड़ा एकदम ऐसे थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो फिगर बनी हुई है, ये है आपकी मोनोलिथिक आईसी की फिगर। ये आपको जब आप क्रॉस सेक्शन इसका देखेंगे तो आपको इस तरह का कुछ क्रॉस सेक्शन दिखेगा। अब इसमें चार लेयर्स होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है बेसिक फोर लेयर्स इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। चार सेम होंगे, पी सबट्रैक्ट लेयर, पहली लेयर जैसे मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, पहली लेयर हो गई, ये आपकी हो गई पहली लेयर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्सन जो आपका है, ये पोर्सन ये आपका हो गया फर्स्ट लेयर का, फर्स्ट लेयर में। सेकेंड लिखा हुआ है आपका एन टाइप एक्सपीटेंशियल लेयर टू, ये है ये जो ग्रीन वाला ब्लॉक आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये आपकी सेकेंड लेयर है, ये आपकी सेकेंड लेयर हुई। कंस्ट्रक्शन की लेयर्स की अभी बात हो रही है, अब ये लेयर डेवलप कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स इसमें आएंगे, ये सारे आपको भी बताए जाएंगे। तो ये आपकी सेकेंड लेयर हुई ग्रीन वाली, यहाँ पर लिखा हुआ है एन टाइप, वो आपकी सेकेंड लेयर हुई। ठीक, इसके बाद यहाँ SiO2 यहाँ पर जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है SiO2, ये आपका थर्ड लेयर हुआ, ये हो गया आपका थर्ड लेयर, ये आपकी थर्ड लेयर हो गई। और इसके बाद एल्यूमिनियम की लेयर जो यहाँ पे दिख रही है ब्लैक कलर की, ये आपको एल्यूमिनियम मेटलाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी फोर्थ लेयर हुई। तो एक मोनोलिथिक आईसी को बनाने के लिए हम चार लेयर का इस्तेमाल करते हैं। इन चारों लेयर में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उनको ये हम जानेंगे कि इन चारों लेयर में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो पहले जो हमने क्या जानी, पहले जो हमने ये जाना कि जो कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन का नाम है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन ऑफ आईसी। ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन के अंदर चार लेयर्स होती हैं, चार लेयर का हम इस्तेमाल करते हैं और चारों लेयर जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बनी होती हैं। उन चार लेयर के नाम हमको पता चले, कौन कौन से, पी सबट्रैक्ट लेयर पहली लेयर हो गई आपकी पी सबट्रैक्ट लेयर जो आपको दिखाई गई है। उसके बाद दूसरी एन टाइप एक्सपीटेंशियल लेयर हो गई, दूसरी जो ग्रीन कलर से शो आपको की गई है। इसके बाद SiO2 लेयर हो गई थर्ड लेयर आपकी, थर्ड लेयर आपकी हो गई। और जो आपकी चौथी लेयर हुई वो आपकी हुई एल्यूमिनियम मेटलाइजेशन, जो ब्लैक कलर से यहाँ पे शो किया गया है। अब आपको इस लेयर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन सी लेयर कौन कौन सी लेयर को शो किया गया है। तो एक बार बताते रहें, वाइट कलर से जो सिर्फ वाइट कलर से दिखाया गया है वो आपका फर्स्ट लेयर है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो आपकी सेकेंड लेयर है, और जो पर्पल कलर से दिखाया गया है वो आपकी थर्ड लेयर है, और जो आपका ब्लैक कलर से दिखाया गया है वो आपकी फोर्थ लेयर है। अब ये फोर्थ लेयर को बनाने के लिए हम किस किस स्टेप से गुजरते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बताया जाएगा कि नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं इस लेयर को बनाने के लिए, क्या है फॉलो दी सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, पी सबट्रैक्ट लेयर को हम लेयर कैसे बनाते हैं, उस लेयर में क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्टेप आएगा हमारा क्या, पी सबट्रैक्ट लेयर का पहला स्टेप ये आएगा। दूसरा स्टेप आपका आएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेयर, इसमें हम क्या करते हैं। थर्ड आएगा ऑक्सीडेशन कब होता है। और फोर्थ आएगा फोटोलिथिक ग्राफी आएगी फोर्थ स्टेप में आपकी। फिफ्थ स्टेप में आपका आएगा डिफ्यूज़न, और फोर्थ में आएगा आयंस इम्प्लीनेशन। ठीक है, और सेवन्थ स्टेप में आएगा आइसोलेशंस ऑफ टेक्निक्स, कैसे ये आइसोलेट करते हैं। और लास्ट वन स्टेप आपका जो आएगा वो आएगा मेटलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम कह देते हैं क्योंकि इसमें हमने बहुत स्टेप वाइज कम में ही आपको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले लेयर की हम जब बात करते हैं आपकी, सबसे पहले लेयर हमारा क्या था, पी सबट्रैक्ट लेयर। ठीक है, एक बार आपको फिगर पर से, फिगर को मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि फिगर से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जो फिगर देखेंगे तो उसमें बहुत कंफ्यूजन है वो क्रिएट होगा, इसलिए मैंने फिगर एक ही बार फिगर को मेंशन किया है। तो एक बार मैं आपको फिगर दिखा दे रही हूँ फिर से। प्रिपरेशन ऑफ द सबट्रैक्ट, पी टाइप सबट्रैक्ट का प्रिपरेशन हम लोग को करना है, तो कैसे करेंगे एक बार हम स्टेप भी दिखा दे रहे हैं आपको। पी टाइप सबट्रैक्ट वाइट वाली लेयर है ये वाली, इसका हमको करना है। अब इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम एक रॉ मटेरियल लेते हैं। ठीक है,
रॉ मटेरियल कौन सा, अगर इलेक्ट्रिकल में होता है मैं बात करेंगे तो रॉ मटेरियल आपका सेमी कंडक्टर मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं तो आपका होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। सिलिकॉन का सिलिकॉन जो जो जब आप लेंगे तो सिलिकॉन के मैंने पहले बताया कि दो तरीके का स्ट्रक्चर्स ये फॉलो करते हैं, एक आपका एटॉमिक कॉन्फिगरेशन के अनुसार होता है और एक क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। तो इसको जब हम लेंगे तो इसमें हम सिलिकॉन का यूज़ करेंगे और सिलिकॉन जो मटेरियल का यूज़ करेंगे उसका हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे, उस सिलिकॉन मटेरियल का हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे। उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक सिलिकॉन की सिलिकॉन प्योरली सिलिकॉन लेंगे, हम इसमें इम्प्योरिटी अभी नहीं मिला रहे हैं। हम सिलिकॉन लेंगे और उसको सिलिकॉन लेने के बाद हम उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को लेंगे। इसके बाद जब हम सिलिकॉन की परत बिछा देंगे तो उस परत उसको भरने के बाद हम क्या करेंगे, उस सिलिकॉन को हम पॉलिश करेंगे, उसकी पॉलिशिंग की जाएगी और उसको पॉलिश वगैरह करके अच्छे से और उसकी ट्रिमिंग भी की जाएगी, जैसे जहाँ पे छोटी बड़ा जैसे जो करना है आपको उसे प्रॉप उसको पॉलिशिंग वगैरह करके उसके बाद उसको अपने जितना बड़ा आपको सर्किट जितना बड़ा आपको आईसी बनाना है उसके अनुसार उसकी साइज और डायमीटर को हम फिक्स करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम जब आएंगे, जब सेकेंड स्टेप में आएगा तो एक चीज़ आपकी फर्स्ट स्टेप में लिखी हुई थी यहाँ पे, SI वेफर इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग द क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका SI का होता है सिलिकॉन का, वो क्या करेंगे उस सिलिकॉन वेफर्स का मतलब आपका होता है बहुत पतला या कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि स्लाइड बनाना, पतले स्लाइड उसके बनाना, उसमें हम सिलिकॉन को के मटेरियल को भरते हैं, ठीक है, वो वेफरिंग कहलाती है आपकी। तो यहाँ पे ये वर्ड जो लिखा है ना वेफर, इसी का मतलब है या तो स्लाइड पतले पतले स्लाइड्स काट लीजिए या फिर आप उस एक बॉक्स के नाम बनाइए उसमें सिलिकॉन मटेरियल को भरते जाइए, तो इस तरह का एक वेफर तैयार करते हैं। फिर उस क्रिस्टल को जो क्रिस्टल बनता है उस क्रिस्टल को हम क्या करते हैं पॉलिशिंग करते हैं और उसको ट्रिमिंग भी करी जाती है अपने अनुसार, उसके साइज को हम छोटा या बड़ा करते हैं। तो ये पहला स्टेप हुआ था जो पी सब्ट्रैक्ट जो स्टेप है आपका उसमें ये चीज़ की जाती है। हम क्या करते हैं सिलिकॉन को लेते हैं और सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लेते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम वेफरिंग करते हैं जिसमें हम स्लाइड्स काटते हैं, वेफर में स्लाइड काटते हैं, उसमें हम सिलिकॉन के मटेरियल को फिर डालते हैं। इसके बाद आपका आता है सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टेप। इसमें क्या होता है जो आपकी जो परत आपने क्रिस्टल जो तैयार किया आपका जो सिंगल क्रिस्टल आपने तैयार किया है उसका सिलिकॉन मटेरियल का जो होता है इसका हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले रहे हैं उसी को हम क्या करते हैं मीन ग्रोविंग द लेयर ऑन द सब्ट्रैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो सब्ट्रैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका जो वो हुआ तैयार हुआ उसके बाद हम उसके ऊपर हम एन टाइप सेमी कंडक्टर जो होते हैं उनकी वो कोडिंग करते हैं, उन मटेरियल्स की कोडिंग वहाँ पे की जाती है। पी टाइप सब्ट्रैक्ट के ऊपर हम एन टाइप की कोडिंग करते हैं। एवं मैं फिगर में आपको दिखा दे रही हूँ कि कोडिंग कहाँ पे आपको दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर से जितना पोर्शन आपका बना हुआ है ये ग्रीन कलर से ये आपकी है कोडिंग। किसकी कोडिंग है ये एन टाइप सेमी कंडक्टर्स की कोडिंग है। किसके ऊपर है पी टाइप के जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनके ऊपर है। जब हम क्या किए पी से सिलिकॉन का जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना के तैयार कर लिए उसके ऊपर हमने क्या किए पी टाइप के सेमी कंडक्टर्स की कोडिंग कर रखी है। पी टाइप के सेमी कंडक्टर की हमने वहाँ पर कोडिंग कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको मैंने दिखा दिया कि हमने पी टाइप की कोडिंग कर रखी है, पर मैं फिर से इसको साफ करके दिखा दे रही हूँ आपको सही से। हम सेकंड स्टेप पर रहे थे, सेकंड स्टेप में हम चल रहे थे। हम फर्स्ट स्टेप हमने जाना कि पी टाइप जो सब्ट्रैक्ट है यहाँ पे पी टाइप जो सब्ट्रैक्ट है इसमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में हमको सिलिकॉन का मटेरियल लेना है, सिलिकॉन के मटेरियल की हमको वेफरिंग करनी है,
उसमें क्या करेंगे हम, वेपर का मतलब उनको छोटे छोटे स्लाइडों में भरना, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे हमको बात, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे, उसमें हम जैसे कौन का मटेरियल भरेंगे, फिर हम उसकी पॉलिशिंग करेंगे। पॉलिशिंग का मतलब यहाँ पे रगड़ने से होता है कि इस चीज़ को चमकाना है, अगर तो हम पॉलिशिंग इसकी करेंगे, और पॉलिशिंग करने के बाद पॉलिशिंग जब हो जाएगा उसको हमको कितना किस साइज का हमको अपना आईसी बनाना है उस साइज के अनुसार हम उसको कट करेंगे, कट करेंगे ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये था पी टाइप सब्जेक्ट। अब सेकंड क्या था, सेकंड स्टेप जो हमारा था, सेकंड स्टेप जो आपका है ठीक है, सेकंड स्टेप में जो आपका है ये है, सेकंड स्टेप लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमको मिला ठीक है, जो हमने तैयार किया पॉलिशिंग वगैरह करके, हमने जो एसआई की वेफरिंग करके, हमने जो वेफर करके हमने जो तैयार किया वो स्ट्रक्चर जब हमको मिला, अब उस स्ट्रक्चर के ऊपर हम एक एन टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल की लेयर बनाएंगे ठीक है। एन टाइप सेमी कंडक्टर मटेरियल की लेयर, अब वही लेयर बनाने के लिए मैं आपको फिगर दिखा दे रही हूँ कैसे लेयर बनी है, बैक करके ये देखिए यहाँ पे पी टाइप ये हो गया, इसके ऊपर जो सेकेंड लेयर आपकी बनी है ये हो गई आपकी एन टाइप की ठीक है। स्टेप टू में हम इस लेयर को पी के ऊपर बनाएंगे ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसके में क्या होगा, जब एन टाइप की लेयर आपकी पी टाइप के ऊपर हम बना देंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो आपके एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स होंगे वो बिल्ड कर जाएंगे। कैसे कैसे बिल्ड करेंगे, एक बार आप फिगर में देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपका पी टाइप पी एन पी, पी एन पी ट्रांजिस्टर बन गया पी एन पी ठीक है, पी एन टाइप हो गया। तो यहाँ पे अब आपका एक ट्रांजिस्टर बिल्ड कर जाएगा जिसमें तीन पिन लगी होंगी, तो पी एन पी टाइप यहाँ पे बन गया। और अगर आप इसको एक बार आप इसको डाउन से मतलब कि बॉटम से टॉप की तरफ देखते हुए चलेंगे तो पी एन पी बनेगा। एक बार आप इसको लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे तो ये बनेगा पी एन पी, मतलब कि दोनों तरफ से आपको ट्रांजिस्टर और डायोड दो कंस्ट्रक्शन आपको दिखेंगे ठीक है। कैसे दिख रहे हैं आपको और क्लियर कर दे रही हूँ कैसे दिख रहे हैं, जो कंपोनेंट यहाँ पे बिल्ड हो गए हमारे यहाँ पे निकलेंगे वो हमारे कैसे निकलेंगे, ये आपको बॉटम से टॉप की तरफ देखना है। बॉटम से टॉप की तरफ आप देखेंगे तो पी एन पी ये कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगा, जो कि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर्स होते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर। इसके बाद अगर आप लेफ़्ट टू राइट की तरफ देखते हैं तो आपको पी एन पी यही कंस्ट्रक्शन लेफ्ट टू राइट की तरफ भी दिखेगा आपको, और वहाँ पे भी आपको मिलेगा पी एन पी टाइप ट्रांजिस्टर्स। तो एक हमको ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे दिखे कि कैसे ट्रांजिस्टर यहाँ पे बिल्ड किए गए हैं, तो वो हमको समझ में आया कि कैसे हम ट्रांजिस्टर को यहाँ पे ये लेयर के थ्रू बिल्ड हो रहे हैं ठीक। इसके बाद अच्छा और इसमें और ध्यान से अगर आप और देखना चाहें कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज़ और दिखेगी इसी कंस्ट्रक्शन में, लास्ट वाले कंस्ट्रक्शन में आप देखिए यहाँ पे पी एन पी आपका बना। उसके बाद इस कंस्ट्रक्शन को देखिए सेकंड वाले मतलब इस वाले पोजीशन पे अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम कंस्ट्रक्शन पी एन पी, मतलब कि इस तरह क्या करेंगे इस तरह बिल्ड होते जाएंगे आपके ट्रांजिस्टर्स इन लेयरों में, सेमी कंडक्टर्स मटेरियल जब आपकी लेयरिंग करेंगे तो उसमें ट्रांजिस्टर आप मतलब उसमें लेयरिंग जब करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन जो तैयार होगा वो ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन तैयार करने लगेगा अपने में ठीक। तो ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे कंपोनेंट को आप पहचानेंगे उसके अंदर कि ये आईसी के अंदर ये ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं और इधर उधर लगे हुए हैं, तो जी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब थर्ड चीज़ आपकी जो आती है इसमें वो आपकी आती है ऑक्सीडेशन, ये स्टेप थ्री है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसमें किस में इम्प्योरिटी के जब आप पास पहुँचेंगे, मतलब कि देखिए यहाँ पे लिखा ए प्रोसेस टू प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ इम्प्योरिटीज, जब इम्प्योरिटीज की लेयर या इम्प्योरिटी वहाँ पे इम्प्योरिटी जब आएगी तब वहाँ पे ये प्रोसेस डेवलप करेगा ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी के लिए यूज़ हम किसको करेंगे, ऐसा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हम यूज़ करेंगे इम्प्योरिटी के लिए। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो आपकी है, मैं बराबर आपको वहीं पर ले चली हूँ फिगर के पास,
एक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि एन टाइप की जब हम कोडिंग कर देंगे इसकी, तो वहाँ पे जो कंपोनेंट हमको देखने को मिलेंगे, जो आपके एक्टिव और कुछ पैसिव कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरह हम बिल्ड होंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बिल्ड हो रहे हैं। इसके बाद जो चीज़ आपके जो चीज़ आपको आएगी थर्ड स्टेप में, वो आएगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा और कैसे होगा, देखिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यहाँ पे इम्प्योरिटी के होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी का इस्तेमाल कौन क्या क्या कौन कर रहा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं इम्प्योरिटी के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बैक लेके चलती हूँ कि कहाँ पर हो रहा है ये चीज़। यहाँ पे देखिए जो तो थर्ड लेयर है आपकी, जो थर्ड लेयर है SiO2 की, वो एक आपका पी टाइप में के ऊपर इसलिए भी लगाई जाती है कि यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पी से कांटेक्ट में ना आए, पी टाइप वाले से, और खुद खुद ये इम्प्योरिटीज़ को क्या कर रहा है, डिफ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेयर पे हमारा SiO2 पे हमारा इम्प्योरिटी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं आगे स्टेप में, स्टेप फोर में क्या चीज़ होगी। स्टेप थ्री मैंने आपको बता दिया कि स्टेप थ्री में का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। स्टेप फोर्थ जो आपका होगा बहुत ही मेन पॉइंट है इस पूरे फंक्शन में, इसको देखना, फोटोलिथिक ग्राफी प्रोसेस का नाम है फोटोलिथिक ग्राफी। कैसे होता है देखिए, इसमें क्या होता है, जो आपका सर्किट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था PCB पढ़ाते टाइम में बताया था कि जो भी हम सर्किट बनाते हैं उसका हम एक लेआउट तैयार करते हैं, और उस लेआउट को हम उस प्रिंटेड बोर्ड पे क्या करते हैं, उस प्रिंटेड बोर्ड पे हम उसको मतलब उस प्रिंटेड बोर्ड पे हम उसको मर्ज करते हैं, लगाते हैं। तो इस ये प्रोसेस जो आपका होगा फोटोलिथोग्राफी का प्रोसेस, ये IC में इसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे हम बताएं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये लाइन लिखी हुई है, दिस प्रोसेस इज प्रोड्यूस एट द डिवाइस पैटर्न ऑन द वेफर्स, ठीक है। जो आपने जो SI भरा हुआ उसका जो वेपरिंग आपने की है, उस वेपरिंग पे हमको क्या करना है, एक हमको लेआउट सर्किट की पूरी वहाँ पे प्रिंट करनी है। तो उस लेआउट को करने के लिए हम अल्ट्रा लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, यूवी रेज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी लाइटिंग हम डालते हैं उस मटेरियल पे हम यूवी रेज डालते हैं, और जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन को जो आपका लेआउट होता है उस पर आता है, मतलब उस पर आने का दो प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस के थ्रू वो नहीं आते हैं, हम उस पर जब लाइटिंग डालते हैं तो दो प्रोसेस के थ्रू वो काम करते हैं। पहले क्या करते हैं, मास्किंग, मतलब पहले यहाँ पर एक लिखा हुआ है टू स्टेप ऑफ दिस, मतलब पीस जब आप IC कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस मेथड से, तो आपका उसका आपके चार लेयर्स थे, चार लेयर में आठ स्टेप्स थे, तो ये उसका फोर्थ स्टेप है कि हम क्या करें, फोटोलिथोग्राफी का स्टेप फोर में जो बता रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, जो लेआउट होगा, जो आपने सर्किट डिज़ाइन की हुई है उसको हम वो उसके ऊपर जब हम एन टाइप की लेयरिंग कर लेंगे तो उसके ऊपर हमको उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो कैसे करें, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूवी लाइट का, अल्ट्रावायलेट लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको करने के लिए। मगर इसमें भी दो प्रोसेस आते हैं, पहला आता है फोटोग्राफिक मास्किंग, मतलब कि हम एक मास्क पहले के मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका फेस है, तो मान लीजिए आपको कोई वही आपका फेस ही है, तो आप एक फेस मास्क तैयार करते हैं, मतलब आपको एक डॉल बनानी, तो पहले आप उसका मास्क बनाएंगे, ऊपर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे उसकी स्ट्रक्चर होगा, तो वो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मास्किंग, ठीक है। यहाँ पे आपको क्योंकि सर्किट है तो पहले उसकी लेआउट जो आप तैयार करेंगे उसको हम बोलते हैं मास्किंग, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कंटेन द सर्किट पैटर्न इंफॉर्मेशन एंड इमेज ऑफ द मास्क इज प्रोजेक्टेड ऑन SI वेफर, जो SI वेफर जो आपका जिसमें जो मतलब कि जो SI भरा हुआ जिसकी प्लेटिंग आपने बनाए रखी हुई है, उस प्लेटिंग के ऊपर आपको अपना लेआउट को प्रिंट करना। प्रिंट करने के लिए हम यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, और यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम उसको क्या करेंगे, उसका लेआउट वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उसके बाद हम इन्हेंचिंग करेंगे उसको, मतलब कि
उसको बिल्ड करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस आपको यहाँ पे करने को मिलते हैं मास्किंग के अंदर, फोटोग्राफी मास्किंग में और फोटोग्राफी हैंचिंग में, ठीक। हैंचिंग प्रोसेस दो तरीके से होते हैं, हैंचिंग प्रोसेस के अंदर भी दो मैथड अडॉप्ट किए जाते हैं। एक होता है केमिकल प्रोसेस हैंचिंग और दूसरा होता है फिजिकल। केमिकल हैंचिंग में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सर्किट को हम एक केमिकल में डिप करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं, और फिजिकल हैंचिंग में हम उसको मशीन वगैरह के थ्रू उसके कंस्ट्रक्शन को करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के इसके अंदर मेथड आएंगे, फोटोलिथोग्राफी के अंदर। फोटोलिथोग्राफी इसलिए लेआउट को वहाँ पे प्रिंट करने के लिए, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूवी लाइट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। इन यूवी लाइट्स का इस प्रोसेस के अंदर हम दो मेथड अडॉप्ट करेंगे, पहला हम उसके लेआउट को कंस्ट्रक्ट करेंगे और दूसरा हम उसकी इनहेंचिंग करेंगे। इनहेंचिंग के अंदर दो मेथड आएंगे, केमिकल और आएगा फिजिकल। केमिकल में हम उस पूरे सर्किट को एक केमिकल में डिप करते हैं और फिर निकालते हैं, और उसका फिजिकल हैंचिंग में हम उसको कुछ मशीन के थ्रू हम उसकी वाइंडिंग वगैरह को करते हैं। तो ये आपका हो गया स्टेप 4 आईसी का। मोनोलिथिक प्रोसेस से आईसी कैसे बनती है, उसका स्टेप 4 हुआ, ठीक है। इसके बाद आएगा स्टेप 6। स्टेप 6 में डिफ्यूज़न होता है। इसमें क्या होता है, जब इम्प्योरिटीज़ जो आपकी होगी, जो इम्प्योरिटीज़ है आपकी, द मूवमेंट ऑफ इम्प्योरिटी इज सेमी कंडक्टर, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज़ है वो उस पर क्या होगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा। डिफ्यूज़न प्रोसेस में आपको क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को हाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट्स करना शुरू कर देते हैं। ये बात आप लोग को पता होगी, क्योंकि जब हम अगर हम हाई टेम्परेचर देंगे तो हीट ज़्यादा एडॉप्शन होगा, हीट ज़्यादा एडॉप्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन खुद पे खुद इमिट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस के अंदर इम्प्योरिटी जो हमारी जब रहती है, जो हम उसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देना शुरू करते हैं। तो हाई टेम्परेचर जब हम देना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट ज़्यादा होते हैं। इसी प्रोसेस को उसने डिफ्यूजन के नाम से बताया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और होता है कि ये भी चीज़ आपको पता होगी, अगर हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं, अगर हम लॉट ऑफ टाइम उसको दे दें, बहुत ज़्यादा हीटिंग कर दें, तो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी आपके क्या होंगे, एक्साइटेड होते जाएंगे और उतने ही एमिट्स होते जाएंगे। तो ये एक चीज़ है कि डेप्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम गिवन फॉर इट। जितना हम अमाउंट ऑफ टाइम उसको देंगे, मतलब कि अगर मान लीजिए एक आईसी तैयार कर रहे हैं और उसको हमने 5 मिनट के लिए ही 5 मिनट की करंट सप्लाई की, करंट सप्लाई का आप जब करेंगे तो जब सप्लाई करेंगे तभी उसके अंदर के ये जो टेम्परेचर उसका होगा, अंदर का एलिमेंट्स का वो हाई होगा धीरे धीरे। तो फिर अगर हम 5 मिनट कर रहे हैं तो उतने इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी एमिट ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर हम वही चीज़ अगर 1 घंटे के लिए हम उसको सप्लाई देते हैं, करंट हम 1 घंटे तक उसको देते, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर गेन करेगा और ज़्यादा हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे ज़्यादा एमिट कर जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपका स्टेप 6 में आता है। इसके साथ आता है आपका और एक चीज़ आता है कि आयन इंप्लेशन क्या चीज़ है। ये भी डिफ्यूज़न का ही एक मेथड है कि इम्प्योरिटी से रिलेटेड ये भी चीज़ है कि जो इम्प्योरिटी है, जैसे कि आप पढ़े होंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर्स और एन टाइप सेमी कंडक्टर्स में, पी टाइप के सेमी कंडक्टर्स जब आपको उन्होंने पढ़ा होगा तो आप एक ही तो आप जानते हैं कि जो SiO2 और GE है, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो प्योर होते हैं, प्योर सेमी कंडक्टर्स होते हैं जिसको प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हम दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि जो हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं किसका, आपका सेमी कंडक्टर्स का, जो सेकंड टाइप हमारा जो होता है इन एक्सट्रेंसिक जो सेमी कंडक्टर जो होते हैं उसमें हम यूज़ तो हम सबसे पहला तो करेंगे ही, SiO2 का यूज़ तो, उसके साथ इम्प्योरिटी हम कौन सी लेते हैं वो हम डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी इम्प्योरिटी लें। अगर हम एन टाइप की बात करें तो हम जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं, हम उस इम्प्योरिटी को ज़्यादा कंसिडर करते हैं एन टाइप में, क्योंकि इसलिए किया जाता है उसको ज़्यादा कंडीशन, कि उससे क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, होल्स कंस्ट्रक्शन वहाँ पे जो रहता है वो काम नहीं करता, जबकि पी टाइप में होल्स का और इलेक्ट्रॉन का कंस्ट्रक्शन काम करता है। एन टाइप में ये थोड़ा एक्सपेंशन भी एक्सपेंशन आ जाता है इनके अंदर, तो वहाँ पर हम आर्सेनिक का यूज़ करते हैं। तो आपको मैं वही बताना चाहती कि अगर हमारा क्या होगा, इम्प्योरिटी अगर हमने जेलियम के साथ आर्सेनिक ली हुई है तो वहाँ पे हमको ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमारे ऑलरेडी फ्री होंगे, कम टेम्परेचर में भी काम कर लेंगे वो। तो जब कम टेम्परेचर की बात आती है तो आपका आ जाता है आयन इम्प्लीमेशन प्रोसेस, जो आपका अल्टरनेटिंग प्रोसेस है आपका डिफ्यूज़न प्रोसेस।
डिफ्यूज़न प्रोसेस का अल्टरनेटिंग है ये। यहाँ पे हम लो टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं। जब लो टेम्परेचर अगर हम कर देंगे तो वहाँ क्या होगा, हाई एनर्जी डिपेंड्स ऑन आयंस एक्सेलरेटेड सो दैट दे पेनिट्रेटेड ऑफ एस आई वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कौन सा सेमीकंडक्टर यूज़ कर सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ लेने वाली इम्प्योरिटी कौन सी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर हमने जैसे मान लीजिए कि हमने जेलियम के साथ बोरान ले लिया, बोरान में तीन ही आउटर मोस्ट सेल्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे तो हमको होल कंस्ट्रक्शन चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे हमको टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा, तो हमारा डिफ्यूज़न मेथड होगा स्टेप सिक्स वाला। और जहाँ पे जैसे हमने जेलियम के साथ आर्सेनिक ले रखा है तो वहाँ पे पेंटागोनल में अरे पाँच इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, तो फाइव इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी फ्री ही है हमारा, तो वहाँ पे हमको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, उनको टेम्परेचर वहाँ पे लो रख के भी हम काम अपना कर सकते हैं। तो ये हमारा था स्टेप सिक्स का मेथड। अच्छा, एक चीज़ में और है कि जो ये आपको जो आपका आयन इंफ्लेमेशन है इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द वोल्टेज। जो वोल्टेज सप्लाई आप कर रहे हैं आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्टेप सेवन इसमें क्या आएगा, ये स्टेप्स आपका आएगा इसमें आइसोलेशन के बारे में हमें बताया जाएगा। स्टेप टू में इसमें दो तरीके का आइसोलेशन होता है आपका, एक आपका होता है डाई इलेक्ट्रिक आइसोलेशन और एक आपका होता है पीएन जंक्शन आइसोलेशन। अब मैं आपको फिगर में दिखा दे रही हूँ दोनों आइसोलेशन किस किस जगह पे होते हैं। तो इस डाई इलेक्ट्रिक आइसोलेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे मीडियम आपका जो यूज़ किया जाएगा, जैसे कि हम जिसमें हम केमिकल जो ड्रॉपिंग हमने आपको बताई थी स्टेप फाइव में, केमिकल ड्रॉपिंग जो है तो वहाँ पे हम HCl का इस्तेमाल कर रहे हैं या NaCl का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा वहाँ पे हम एसिड यूज़ कर रहे हैं वो डाइलेटेड इंसुलेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका डाइलेटेड इंसुलेशन है, एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इंसुलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स एंड इंटायर कनेक्शन, ये रहा इंटायर कनेक्शन। एक वोल्ट यहाँ पे लिखा है कि इंसुलेशन बिटवीन दी कंपोनेंट्स एंड इंटायर कनेक्शन, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था मैं आपको फिगर में एक बार और दिखा दे रही हूँ। फिगर एक बार देखिए आप लोग, फिगर एक बार और देखिए इसको क्लियर करके तब बता रहे हैं आपको। आइसोलेशन हमारा जो होगा वो वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था कि आइसोलेशन बिटवीन दी कंपोनेंट्स एंड इंटर कनेक्शन। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि पी एन पी, एक ये बन रहा है आपका ट्रांजिस्टर, एक अगर आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो पी एन पी इधर से भी बन रहा है। तो अब आपका पी एन पी ये जो आपको बन रहा है आपका ट्रांजिस्टर जो बन रहा है यहाँ पे, ये आप अगर ये आप ये आप डाउन टू अप देखिए तब भी जो ट्रांजिस्टर आपका बन रहा है तो अब उसका इंटरकनेक्शन किसके किसके साथ हो रहा है, एक आपके डायोड के इंटरकनेक्शन होगा यहाँ से आपका SiO2 से भी कनेक्ट होते हुए जा रहा है। ठीक है, और आपका एल्यूमिनियम की जो ब्लैक आपको जो दिख रहे हैं इनसे भी कनेक्शन होता जा रहा है, तो इन सब से जो कनेक्ट होते हैं वो जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, वही चीज़ आपको उसमें बताई गई है, तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। और दूसरी चीज़ अब जो आयनाइजेशन होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रही हूँ, पी एन जंक्शन की बात हुई थी तो आपको ये चीज़ पता भी होगी मेरे ख्याल से, हाँ ये चीज़ आपको पता होगी। ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका बेस हो गया, कलेक्टर एंड अमीटर, ये हो गया अमीटर। ठीक है, ये आपको पता होगा इसमें जंक्शन कौन सा आपका होगा, यही ना जंक्शन कहलाएगा आपका। ठीक है, या ये देख लीजिए ये भी जंक्शन आपको कहला जाएगा।
यहाँ से ये लेयर गई, ये इधर गई और ये यहाँ गई, तो ये जंक्शन में यही जंक्शन कहलाएगा। अगर आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे आके अगर आप पता करने की कोशिश करिएगा तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगी, यहाँ पे देखिए पी एक लेयर ये जा रही है, ठीक है, ये जो नीचे वाला आपका गया एन, और फिर यहाँ पे आके दूसरी लेयर आपको मिली है वो पी, तो फिर एन पी एन पी ये गया ना पी एन पी, तो यहाँ पे जो जंक्शन है वहाँ पे आइसोलेशन आपका होगा ठीक है। अब मैं आपको उसी स्लाइड पे ले जा रही हूँ जहाँ पे हम लोग थे, स्टेप नंबर 7 पे हम लोग थे। स्टेप नंबर 7 डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन एंड पी एन जंक्शन इंसुलेशन, पी एन जंक्शन इंसुलेशन मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है क्या है। डाइलेक्ट्रिक लेयर डन बाय सराउंडिंग द कंपोनेंट यूजिंग दिस सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 के कॉन्टेक्ट में जितने भी आएंगे आपके कंपोनेंट वो आपका डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन करेंगे। इसके बाद पी एन जंक्शन का भी मैंने आपको दिखा दिया है कि पी एन जंक्शन पे कैसा इंसुलेशन होगा। इन दिस पी पी टाइप इम्प्योरिटीज आर डिफ्यूज इनटू दी एन टाइप डिफ्यूज इनटू दी एन टाइप एक्सपेक्टेशन लेयर, एक्सपेक्टेशन लेयर जो आपकी एन टाइप की बनी थी उसके साथ इम्प्योरिटी जो होगी पी टाइप की वो आइसोलेशन करेगी। यहाँ पे एन यहाँ पे अलग है, ये थोड़ा जुड़ा हुआ लग रहा था। तो ये आपका स्टेप 7 हो गया कि आइसोलेशन क्या कैसे होगा। तो यहाँ पे ये चेक हो जाएगी, दो तरीके से होंगे आपके आइसोलेशन। एक होगा आपका किसके बीच होगा, पहले कंपोनेंट और जो इंटरमीडिएट उनके बीच है इंटरकनेक्शन जिसके साथ वो कर रहा है उनके साथ होगा। और इसमें दो मेथड्स होंगे, एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन होगा जो आपका क्या होगा जो कंपोनेंट है और SiO2 के साथ, और दूसरा आपका क्या होगा पी एन जंक्शन पे जो इंसुलेशन होगा आपका उसकी जो इम्प्योरिटी पी की जो इम्प्योरिटी होगी पी टाइप मटेरियल की जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो वो होगी इम्प्योरिटी पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इम्प्योरिटी यूज करते हैं ये आपको आपको पता ही होगी। इसमें आप जो इम्प्योरिटी यूज आप पी टाइप में करते हैं वो इंडियम होती है, आयन से उसको लिखा जाता है, और उसको हम किसके साथ यूज़ करें एन टाइप की जो इम्प्योरिटी होगी उसके साथ उसके एक्सप्लेनेशन लेयर जो आपकी सेकंड लेयर थी वहाँ से कांटेक्ट में आएंगे और वहाँ से क्या करेंगे इंसुलेशन अपना करेंगे। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आपका है वो है मेटलाइजेशन। जैसे मेटलाइजेशन मतलब क्या होगा, मेटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके मेटल कंडक्ट, तीन तरह के मटेरियल्स आपको बताया गया थे ना, कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स क्या होंगे, मेटल्स होते हैं, तो यहाँ पे होता है मेटल बॉन्डिंग, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेटल बॉन्डिंग जो होता है उसी प्रोसेस को मेटलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपका एक चीज़, अब यहाँ पे मेटलाइजेशन स्टेप मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका फोर्थ लेयर है, एकदम लास्ट की लेयर है, आखिरी स्टेप, मतलब कि आपकी ICF ओवरऑल कंप्लीट होने लगी, ठीक है, कंप्लीट हो रही है। तो लास्ट प्रोसेस आपका है मेटलाइजेशन और लेयर लास्ट है आपकी फोर्थ लेयर। इस मैं आपको फिगर में दिखाते रही, एक बार फिगर देख लीजिए, देखिए यहाँ पे लास्ट का प्रोसेस आपका मेटलाइजेशन स्टेप 8, और ये फिगर आ गई आपकी, ये आपका आ गया एल्यूमिनियम मेटलाइजेशन स्टेप, यहाँ पे देखिए लेयर फोर स्टेप 8 क्या है, एल्यूमिनियम मेटलाइजेशन। अच्छा, अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब मैं आपको स्लाइड पर ले जा रही हूँ, स्लाइड नंबर 8 पे ये है मेटलाइजेशन स्टेप नंबर 8। इसमें क्या करने, एक हम पतली सी थिन लेयर लगाते हैं एल्यूमिनियम की, एक पतला सी हम कोटिंग करते हैं पूरे सर्किट के ऊपर। अब क्यों करी गई ये कोटिंग, भाई हमको एल्यूमिनियम आपको पता होगा कि कंडक्टर तो है, एल्यूमिनियम कंडक्टर है, मगर कंडक्टर इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा आराम से, मगर एल्यूमिनियम कंडक्टर के अंदर भी तीन तरीके के कंडक्टर्स होते हैं ना, रिच कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर, मीडियम कंडक्टर। तो जो आपका एल्यूमिनियम है वो कंडक्टर है मगर पुअर कंडक्टर्स में आता है,
ठीक है, कंडक्टर होने की वजह से हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ पे एक पतली लेयर एल्युमिनियम की लगा देते हैं उसके ऊपर, जो क्या करती है का इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट करा देती है आपकी आईसी में। इतना ही काम इनका है कि हम और जो भी प्रॉपर्टी आपकी कौन सा रखता है कंडक्टर, जो भी प्रॉपर्टी आपका रखता है वो सारी प्रॉपर्टी आपको एल्युमिनियम के अंदर मिलेंगी ही, वो सारी प्रॉपर्टी आपको एल्युमिनियम के अंदर मिलेंगी। तो और सब जो मेन एक बहुत बड़ा रीज़न इसको बस यूज़ करने का एक ये होता है कि अवेलेबिलिटी के अनुसार इसको हम यूज़ करते हैं कंडक्टिविटी के लिए, जो कि गुड कंडक्टर नहीं है मगर कंडक्टर है, एज अ पुअर कंडक्टर इसको यूज़ किया जाता है। तो ये आपका लास्ट हो गया। तो आपका ये लास्ट स्टेप जो होता है मेटलाइजेशन, इसके साथ ही आपकी आईसी मोनोलिथिक प्रोसेस से आईसी आपकी पूरी की पूरी तैयार हो गई, आईसी पूरी की आपका तैयार हो गई। और यहाँ पे आपका आईसी का जो आपका टॉपिक था इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है, कंस्ट्रक्शन क्या, क्लासिफिकेशन क्या है और कौन कौन सा प्रोसेस क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह क्लासीफाई करते हैं, सिग्नल के बेस पर कैसे क्लासीफाई करते हैं, ट्रांजिस्टर के बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं और इसके मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये सारे क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिए। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे आईसी को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसका जो प्रोसेस था मैं कि मैन्युफैक्चरिंग के जो चार प्रोसेस हैं उसमें से मैंने एक अडॉप्ट किया था मोनोलिथिक प्रोसेस जो आपके सिलेबस में है, तो उसके अनुसार वो प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। उस प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं, चार स्टेप्स होते हैं और चार लेयर्स होती हैं और आठ स्टेप्स होते हैं, चार लेयर के बने होते हैं मोनोलिथिक आईसीस और उसमें आठ स्टेप्स होते हैं। चार लेयर को बनाने के लिए आठ स्टेप का इस्तेमाल करते हैं और वो सारे स्टेप्स में क्या क्या होता है शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये इस तरह का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं और ऐसे बनाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन फिर से कर दे रही हूँ कि आप क्लियर हो जाइए, ठीक है। तो एक बार मैं पूरी मोनोलिथिक को मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रही हूँ कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक, मैं यहीं से आपको बताऊँगी कि यहीं से हमारी चीज़ें शुरू होती है, तो मैं यहीं से कोशिश करूँगी यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हम लोग मोनोलिथिक फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बात कर रहे हैं जो कि आईसी को कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने वाला एक प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस के तहत चार लेयर्स होती हैं, इन चारों लेयर्स के डिफरेंट नेम्स हैं और ये अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती हैं। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट जो लेयर होती है उसको हम पी सबट्रैक्ट लेयर बोलते हैं, यहाँ पे है पी सबट्रैक्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लेयर, ठीक है। जितना वाइट पोर्शन आपको दिखेगा वो सारा ही पोर्शन आपका पी सबट्रैक्ट लेयर का पोर्शन है। इसके बाद सेकंड आपको आएगा एन टाइप एक्सपोटेंशियल लेयर, जो यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये सारी ग्रीन कलर से जो लेयर दिख रहा है वो आपके सेकंड लेयर है आपकी एन टाइप एक्सपोटेंशियल लेयर। और थर्ड आपकी SiO2 लेयर, SiO2 की ये थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर है आपकी सेकंड लेयर थी और ये आपकी थर्ड लेयर हो गई, थर्ड लेयर है। और एल्युमिनियम की लेयर ये यहाँ पे जो ब्लैक जो पर्पल कलर की लेयर दिख रही है वो SiO2 की लेयर है जो कि थर्ड लेयर थी, और जो ब्लैक कलर की लेयर आपको दिख रही है वो आपको दिख रही है लेयर नंबर 4 जो कि एल्युमिनियम की है। और यही है स्टेप नंबर 8 जहाँ पे आपका आईसी पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको लेयर मैंने बता दिया। सेकेंड में हम चलते हैं जल्दी से कुछ रिपीट हम कर लेते हैं क्योंकि मैंने डिटेल्स में आपको इसी वीडियो में बता दिया है। ये फॉलो करने का सीक्वेंस क्या है, अब ये चार लेयर्स को बनाने के लिए हम आठ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो चार आठों स्टेप्स आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्ट है जो कि पी टाइप का होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो कि एन टाइप की होती है, ऑक्सीडेशन है, फिर है फोटोलिथोग्राफी जिसमें लेआउट को उस सिलिकॉन के प्लेट पर हम क्या करते हैं लगाते हैं, उसके बाद डिफ्यूज़न है, थर्ड डिफ्यूज़न है आपका, और उसके बाद है आयन इंप्लीमेशन डिफ्यूज़न का ही एक अल्टरनेटिव प्रोसेस है, ये भी आपको बता दिया गया है, इसमें हम कम टेम्परेचर पे भी काम करा सकते हैं। इसके बाद है आइसोलेशन टेक्निक्स स्टेप 7 में है, जिसमें हम आपके दो तरीके के टेक्निक यूज़ करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक और दूसरा हम यूज़ करते हैं, दूसरा जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है पी एन जंक्शन, ठीक है।
और लास्ट आपकी सबसे लास्ट टेक्निक है मेटलाइजेशन स्टेप 8। मेरे ख्याल से मैंने ऐश्री आसिफ को के प्रोसेस को और उसको बताने की पूरी अभी तक से कोशिश की है, तो आप लोग एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।